तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सअप के नए अपडेट के बारे में, या फिर बोल सकते हैं व्हाट्सअप के नए फीचर के बारे में। मैं आपको दो नए फीचर के बारे में बताने वाला हूँ जो कि व्हाट्सअप के बीटा वर्जन पे फिलहाल रोल आउट हो चुके हैं। हो सकता है कुछ बीटा यूजर को नहीं भी मिले हो, बट ये रोल आउट हो चुके हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल फीचर है, जिनको आप बाद में मतलब इन फीचर को आप डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। क्या ये फीचर है, कहाँ मिलेंगे, कैसे यूज करना है, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के नए अपडेट के बारे में या नए फीचर के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद अपने व्हाट्सएप को आपको अपडेट कर लेना है। फिलहाल ये जो बताने वाला हूँ ये बीटा यूजर के लिए है। अगर आप बीटा यूजर नहीं है तो हो सकता है आपको ये नहीं मिले, अगर बीटा यूजर है तो आपको ये फीचर मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अब ये जो फीचर है ये है फॉरवर्ड से रिलेटेड। अगर आप अपने अगर आप व्हाट्सएप पे फोटोज या मीडियाज को फॉरवर्ड करते हैं, तो वहां पर अगर नीचे कोई टेक्स्ट लिखा होता है, आप देख रहे हैं नीचे कोई टेक्स्ट लिखा होता है, तो आप उसको भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि उसके नीचे आप अपना कुछ अलग से मैसेज डाल दें, या कुछ अलग से टेक्स्ट डाल दें, या वाला टेक्स्ट नहीं जाए साथ में, तो आप उसको ऐसा कर सकते हैं। कैसे कि मैं यहाँ पर गया, मैंने इसको फॉरवर्ड पे, जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड पे क्लिक करा, अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको क्या ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर एक क्रॉस करने का ऑप्शन दे रहा है, और नीचे जो मैंने वहां पर लिखा हुआ था फोटोज में, वो यहाँ पर आपको नरेशन दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ से क्रॉस करूंगा तो वो हट जाएगा और नीचे आ जाएगा ऐड अ मैसेज। तो मैंने यहाँ पर मैसेज डाला, हेलो हेलो सनी, ठीक है। अब ये मैंने मैसेज डाल दिया और मैंने यहाँ से उसको सेंड कर दिया। तो अब क्या जाने वाला है, सामने वाले को हेलो सनी लिख के जाने वाला है नॉर्मल मैसेज में, और ये फॉरवर्ड टेक्स्ट में नहीं जाएगा, ये सिंपली हेलो मैसेज के थ्रू यहाँ पर जाने वाला है। तो आप जितने भी मीडिया यहाँ पर फॉरवर्ड करेंगे, आप उसके अंदर जो भी कुछ टेक्स्ट लिखा हो आप उसको वहां पर रिमूव कर सकते हैं, और अपना कुछ पर्सनल मैसेज बना के उसको वहां पर सेंड आउट करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, फिर वो ऐसा जाने वाला है नॉर्मल टेक्स्ट की तरह, कि आपने नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पर लिखा है। आप देख रहे होंगे, जैसे कि मैं दोबारा एक बार दिखा दूं कि मैंने यहाँ से फॉरवर्ड किया। फॉरवर्ड करने के बाद यहाँ पर आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ से क्रॉप करना है अपना जो भी मैसेज है, आपको अपना मैसेज लिखना है जो भी आपको लिखा है। जैसे लाइक मैंने यहाँ पर लिखा और मैंने यहाँ पर इसको फॉरवर्ड पे क्लिक कर दिया, मतलब फॉरवर्ड पे क्लिक किया गया, जिसको भेजना है मुझे वहां पर मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया और फॉरवर्ड कर दिया। तो अब सामने वाले को नॉर्मली टेक्स्ट मैसेज जाने वाला है, कि जैसे फोटो जाएगी और नीचे मैसेज चले जाएगा प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो ये बहुत ही शानदार फीचर यहाँ पर एड ऑन किया गया है। फिलहाल मुझे ये फीचर बहुत ही शानदार लगा। हमें कोई मैसेज नहीं भेजना, मतलब हमें जो कुछ नरेशन लिखा है फोटो या वीडियो में हम नहीं चाहते वो जाए साथ में, तो आप उसको यहाँ पर हटा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट फीचर बताने वाला हूँ वो भी बहुत कमाल का है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, अब व्हाट्सएप पे आप यहाँ पर ये लगा सकते हैं कि कौन कितने टाइम तक, कितने देर तक वो मैसेज रहे, डिसअपीयरिंग मैसेज वाला फीचर, कि 24 आवर्स बाद मैसेज डिलीट हो जाते हैं, जिसको आप बाद में रिकवर नहीं कर सकते। बट अब एक अच्छा फीचर दे दिया गया, अगर मान लो आपको ये फोटो या वीडियो फोटोज को सेव करना है कि आफ्टर 24 आवर्स बाद भी देख लें या कि कभी भी देख लें, तो आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और अब आपको एक नया ऊपर मैसेज ऑप्शन मिल जाएगा कैप्ट मैसेज का, आपको वहां पर क्लिक कर देना है। अब ये फोटो वहां पर सेव हो गई है और नीचे यहाँ पर आपको बता भी देगा कि ये सेव हो गया। और अगर आपको बहुत सारे मैसेज आ गए और आपको रिकवर करना है कि कौन से मैसेज आपने कीप कर रखे हैं, तो उसके लिए आपको इसी प्रोफाइल पे जाना है, इसी मतलब इसी ग्रुप में या उसकी प्रोफाइल में, वहां पर जाएंगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैप्ट मैसेज करके, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जो भी मैसेज आपने कीप करके रखे होंगे सब आपको मिल जाएंगे, टाइमिंग के साथ आप डायरेक्टली यहां से फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। तो ये फीचर भी यहां पर बहुत शानदार दिया गया है। दोस्तों यही दो नए फीचर व्हाट्सएप में ऐड किए गए, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू।